नमस्कार दोस्तों, आज का जो ब्लॉग बन रहा है अड़ी देवता के पावन मंदिर से, महाराज जी आज अड़ी देवता के पावन मंदिर पर जा रहे हैं और देख रहे हैं ये सामान वगैरह जा रहा है अड़ी देवता के मंदिर में। तो बाबा जी, अड़ी देवता के मंदिर में आज खीर का भोग लग रहा है, आज हनुमान जयंती है। आलू मोहन, सही बात है। हाँ, हनुमान जयंती है, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद, ये वादियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी सुंदर वादियाँ हैं, नजारी गाँव की, भीमताल की और ये भवाली एरिया की। यहाँ पर हरियाली है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं। तो ये दृश्य आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और जो एक ये लीशा है, ये लीशा इस्तेमाल में आता है, जैसे इस लीशे का क्या बनता है महाराज जी? लीशे का बेड उड जैसे चिपकाते नहीं है। हाँ, क्यूब से जैसा। और ये दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है, चीज़ों में आता है। ये दवाइयाँ होती है, जितने भी बवासीर में काम आता है, दवाइयाँ बनती है इसकी, टीबी की बीमारी जिसको हो जाती है उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये लीशा, खट लीशा, इसमें जो निकल रहा है एक लीशा टाइप का, ये बहुत ही उपयोगी है। सभी जो है दवाइयों में मिलता है, आयुर्वेदिक में भी मिलता है और अंग्रेजी दवाइयों में भी ये मिलता है। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज का दृश्य मैं जो दिखा रहा हूँ जंगल से दिखा रहा हूँ, और ये नगारी गाँव भवाली जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वाला एरिया दिखा रहा हूँ, फॉरेस्ट जंगल से दिखा रहा हूँ मैं ये नज़ारा। गर्मी का मौसम चल गया है और देव चीड़ के पेड़ हैं घने यहाँ पर, और पिरोल भी यहाँ पर बहुत गिरा है, आप देख रहे हैं पिरोल। गर्मी में जो है पिरोल गिर जाता है, जो पेड़ देख रहे हैं ये बांस के पेड़ हैं। बांस की इनकी बिजली बनती है पिरोल की ना। अच्छा, इनकी बिजली बनती है। हाँ, बिजली पैदा होती है इससे ना। अच्छा, हाँ, ये जो पिरोल गिरा है बांस के पेड़ से, इसकी बिजली बनती है। तो बिजली कैसे बनती है महाराज? बिजली बगैर इनका पोली हाउस लगा हुआ है ना एक, वहाँ कहाँ जी? आपका शीतला में। शीतला में, हाँ, वहाँ इसकी बिजली बनती है। हाँ, ये बिकता भी है ना। अच्छा, ये बिजली बनती है इसकी। हाँ, इनको भांग लोग के लोग बेचते भी इनको। अच्छा, इसकी बिजली बनती है, इकट्ठा करते हैं। और तो ये पर्यावरण का ये दृश्य बहुत ही सुंदर, और सामने आप देख रहे हैं पूरा ये सात ताल वाला एरिया है इधर। तो हम अड़ी देवता के पावन मंदिर पर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि आज आपको ये दिखाते हुए चलेंगे पिरोल और ये वादियाँ, ये सुंदर वादियाँ। इसमें लीसा निकलता है, और ये लीसा जो आप देख रहे हैं इससे लीसा निकलता है, ये लीसा। इससे बेड वगैरह की चीज़ें बनती है। ये जो लीसा है ये रोगों में भी वो करता है, जब किसी को कोई रोग हो जाता है, जैसे टीबी के रोग में भी ये इस्तेमाल आता है। तो ये सब फॉरेस्ट का है। तो और बताइए महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ। बाबा जी क्या बताए, भगत आप ही करो कुछ। जय माता दी, जय माता। आज अड़जी मंदिर जा रहे हैं आप? हाँ। यहाँ से देख ले ना उनकी बिल्डिंग में, वहाँ पे जाके देखो पिंकी सेंटर को लाइन वाले आगे ना, हम नीचे वो घुमा देते बगल में। हाँ, चाचा बस पूछो मत, हाई फाई बिल्डिंग है। वीडियो क्यों सजा रहा तू? नहीं यार, वीडियो मत जाएगी तेरी वीडियो। ये धनुष बाण है भगवान इससे शिकार करते थे ना, धनुष ले जाके। बहुत अच्छा, क्या सीन है देखो। तो यही है, मेन पूजा वही है।